बहुत बड़ा जंगल था और उसमें एक बहुत खतरनाक शेर रहता था। रोज जंगल में घूमता और जब उसे भूख लगती तो जो जानवर उसके सामने आता था उसे खा जाता था। अंधेरे से डर लग रहा था तो खिड़की के पास चला जाता, वहां तो रोशनी है ना थोड़ी। सफर ने अम्मी को तालीम घर से छुड़वा दिया, यानी उसे हमारे छूट पर यकीन होने लग गया। आपको हमारी खातिर इन्हें धंधा रखना होगा। सुल्तान, आपकी मुहिम को पूरा कर पाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ सकती। जब तक मुर्गी सोने के अंडे दे रही हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब वो सोने के अंडे देना बंद कर देगी, लालत है उस बेटे पर जिसके होते हुए उसकी अम्मी को इतना कुछ देना पड़ रहा है। हम इस लानत के धब्बे को मिटा कर रहेंगे अम्मी, बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत जल्द ये क्या तरीका है? तुमने ही तो कहा था मैं अकेली हूँ, लावारिस हूँ। लावारिस तो ऐसे ही होते हैं। वहीं रुक जा, तुम्हारी सोहबत बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हम सुनहरी को कहीं और ले जाकर सुला देते हैं। नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, हम जा रहे हैं। आका, आप फिक्र की दुकान, टूटे फूटे मकान, थोड़े परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें जिन्नाते किताब घर से कुछ पता चला? कुछ? अरे बहुत कुछ पता चला है आका। आपका पुरानी किताबों में लिखा है कि अय्यार बहुत खतरनाक होते हैं। इतने खतरनाक कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती है और हैवानियत आ जाती है। उन पे जिन्नात का जादू काम नहीं करता है। लेकिन हम लोग अय्यार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमें किस अय्यार से लड़ना है? सुल्तान जफर। क्या? मैं एक दिन इधर उधर क्या क्या वो हैवान बन गए कैसे? वो सब अभी छोड़ो जिन, अभी हमें कुछ करना है। बड़ी उस्ताद के बारे में? क्यों, बड़ी उस्ताद ने फिर से आपसे कुछ कहा? अरे मैं एक दिन के लिए इधर उधर क्या क्या सब गोल मोल हो गया। आइए मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने हमें दूर रहने को कहा है। दूर रहने को कहा है? क्यों, आप नाते नहीं क्या? आपसे बदबू आती? अरे ऐसा क्या है कि वो आपको देखते ही उनका पारा हो जाता है? आका, अगर आप कहें तो मैं अपने जादू से उठना भी ना। एक ना एक दिन का गुस्सा खत्म होगा, पर तुम्हारे जादू से नहीं, तुम्हारी कोशिशों से। सुल्तान ने तुम्हें किसी काम से याद किया, चलो अभी। हाँ अभी। शायद मूर्ति के जिनका जो डर था वो सही था। सफर को यकीनन हम पर शक हो गया, पता नहीं उसकी अगली चाल क्या होगी। ठीक है जिनू, तुम चलो, हम सुल्तान जफर से मिलकर आते हैं। सही खेल गए, कमीने ने हमारी रात क्लीन उड़ा दी और खुद नहीं आया। अलादीन। yeah!
दूर तो इस राज्य से हमें ही नहीं पहचानता। आंखों में यह नजर आता हुआ सवाल सच है या नहीं, इसका फैसला होना बाकी है। कौन है आप? शायद कुछ हो जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचे। सोचो सोचो, क्या हम कभी लड़े हों किसी गुलगुले या अंगूठी के पीछे? क्या कभी तुमने सीखा है जादों का हाथ थामना? बेटी की दुम, क्या हुआ है हमारा तुम्हारा सामना? आपके रद्दी पहलुओं को सुलझाने का हमारे पास वक्त नहीं है। बेहतरीन, यानी शहर का डर बेबुनियाद था। भाई मैं, तुमने हमें पहचाना नहीं। हम जा रहे हैं। अरे कहाँ तक दौड़ाओगे? रुको तो सही, हमें अपना तारुफ भी करवाने नहीं दोगे? शैतान का सच्चा यार सफर। हम हैं यार सफर। सुल्तान, आप ये कैसा हुलिया है? हमारा अंदाज ही कुछ अलग है। बेहतरीन, हमारा मतलब है कि बहुत खूब बहुत खूब। मकसद भी खास, अंदाज उससे भी खास। सही खेल गए, सही खेल गए। तुम हमारे मकसद को जानते हो? तो खुदा के नेक बंदे हैं, मैं सब कुछ पता होता है। तुम ये भी जानते हो कि इतनी काली रात को हमने तुम्हें यहाँ अकेले क्यों बुलाया? बिल्कुल, आप हम पर यकीन नहीं है, पर सच बताएं, हमें भी आप पर यकीन नहीं, क्योंकि आपने हमें बताया ही नहीं कि आप हमसे कोई नेक काम नहीं करवाना चाहते, बल्कि अपना शैतानी इरादा पूरा करवाना चाहते हैं। चाहते हैं कि हम आपके लिए काला चिराग लेकर आए और आपके हाथ में दे दें। हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा? खेल खत्म, सफर ये जंग है। सवालों के सारे सुराग तो यही हैं, बस जवाब नहीं है। क्या जहर ही मुच्छड़ है? सुल्तान को ये बात पता होगा? जवाब तो मिल जाते अगर वो शिफान वहाँ नहीं आता तो। उस खरगोश का तो अभी नाम मत ले बिड़ू, सब खिचड़ी हो रही है बात। और ये खिचड़ी सुल्तान की नाक के नीचे पक रही है। तो उसको खुशबू काहे को नहीं जा रही? मैं देखा था, मुच्छड़ का नाम सुनते ही बड़ी उस्ताद एकदम चुप हो गई थी। मुझे लगता है कि उन्हें मुच्छड़ के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है। अब उनको भी सच तक पहुँचना है। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, मैं बड़ी उस्ताद के पास जाकर सच पता करने की कोशिश करती हूँ। तुम जहर पर नजर रखना, थोड़ी देर में मिलते हैं। बराबर बिड़ू। तो ये है आपकी अगली चाल। वैसे तो आपने हमें शुरू से ही धोखे में रखा है। संभल के शहजादे, सुल्तान पे इस किस्म के इल्जाम लगाओगे तो तुम्हारे लिए काफी परेशानी की बात हो सकती है। जुबान कुछ और कह रही है और चाल कुछ और। क्या मतलब? आपने अभी तक असली मकसद छुपा के रखा है। कैसा मकसद? दुनिया की बिसात पर सबसे बड़ी काली ताकत, काला चिराग। ये
इसे ये सब कैसे पता चल गया? सुल्ताना भूल रहे हैं। अम्मी सुनहरे चिराग के आका हैं, उसने हमें बताया। वैसे हमें आपके बारे में अभी बहुत कुछ पता है। क्या पता है? बस यूं समझ लीजिए कि हम आपकी हर चाल से पहले समझ जाते हैं। शहजादे ऐसे ही होते हैं। हैरान रह गए ना? आप सोच रहे होंगे कि हम काले चिराग तक पहुंचने के लिए कोई भी खतरा मोल सकते हैं। सही लगता है? तो तुम्हें काला चिराग लाने में कोई इनकार नहीं है? इनकार? आपकी गिरी हुई सोच, हमारा मतलब ऊंची सोच और बेखौफ फितरत से मोहब्बत सी हो गई, इसी मोहब्बत का इजहार है। ऐसे तो मत देखो शहजादे। शहजादे सुल्तान, शुक्रिया हमारे खेल को एक नई मंजिल देने के लिए। बेहतरीन। तो अब इस मकसद को पूरा करने में देर मत करो। हम हर काम में देर कर सकते हैं, पर आपको मात देने में, हमारा मतलब साथ देने में। तो तुम कल सुबह ही रवाना हो जाओ। पहले तुझे तेरी ही चाल के जाल में उलझा तो दे, सर छुपाने की जगह ढूंढ ले सफर, हम तूफान लाने वाले हैं। हो जाएगा, पर आने वाली तूफान की हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। तूफान? काले चिराग का जिन सुल्तान, काले चिराग का जिन, वो किसी तूफान से कम थोड़ी ना होगा। और ये जो जिन है ना, ये महबूबा से कम नखरीले नहीं होते। हमारे पास भी सुनहरे चिराग का जिन है, उसने भी हमें शुरुआत में बड़ा सताया, तो काले चिराग में भी तो जिन होगा, वरना खाली चिराग क्या आप कबाड़ी में बेचने के लिए मंगा रहे है ना? काला जिन, तो फिर उसे संभाल के रखिए, कहीं मोहरे रूठ जाए तो बिसात पलट देते। नहीं अलादीन, हमारी बिसाए भी बिसात इस तरीके की है कि कभी पलट नहीं सकती। हमने जो इंतजाम किया है वो पुख्ता है। आओ चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। एक बात के लिए आगाह करते हैं, हालात देख कर घबराना मत। एक बार अपने आतिशबाज को आजमा कर तो देखिए। रीन चलो। हल्दी वाला दूध, इससे आपके जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। यास्मीन, जाने अनजाने में हमने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर देना। बड़ी उस्ताद, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, आप सिर्फ आराम करेंगी। अरे बैठिए, और अब बातें कुछ नहीं, बैठिए और अब जल्दी से दूध पीजिए, जल्दी जल्दी। बड़ी उस्ताद, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप पर जो हमला हुआ, क्या वो मच्छर ने? यास्मीन, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बड़ी उस्ताद, मेरे लिए मच्छर का सच जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी पता है तो मुझे बताइए। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं खुद महल जाकर पता करूंगी। खुदा के लिए ऐसा मत करना। देखो, हमें नहीं पता कि मच्छर कौन है, पर ये जरूर जानते हैं कि बगदाद की आवाम का दुश्मन है, बहुत खतरनाक है। हम उसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उसने हम पर हमला करवाया। वो जानता है कि जानता है मतलब मुच्छड़ आदमी है ना? हमें नहीं पता, गलती से हमारे मुंह से निकल गया बस। देखो यास्मीन, भलाई इसी में है कि तुम मुच्छड़ से दूर रहो, और अगर नहीं रह सकती, कम से कम ये वादा तो करना ही होगा तुम्हें हमसे कि अगर तुम उसके बारे में कभी कुछ सोचोगे भी तो
पहले हमें इत्तला करोगे? बोलो जी। आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। तू यहाँ सोने आया बुड्ढे? अगर बचपन में आपकी अम्मी ने आपको डांटा होता ना, तो हमें ये नहीं करना पड़ता। सुनो, ये दूसरों की मदद करने का मर्ज पुराना लगता है तुम्हारा शायद। सही पहचाना, सही पहचाना। तभी तो हमने की मदद की। अब आपके मकसद को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। शहजादे ऐसे ही होते हैं। आ जाओ बाहर, आ जाओ। ये देख रहे हो सब, ये सारे जो हैं, हमने वो अलादीन है ना, अलादीन का चिराग था, उसके लिए तैयार रखे हैं हमने। क्यों? क्योंकि उसे इंसानों का गोश्त पसंद है। सफर शैतान है, पर अब ये इंसान इस शैतान को टक्कर देगा। हम अपनी अम्मी को, इस मुल्क को, मासूम लोगों को, इस दुनिया को इसकी लालच के लिए कुर्बान नहीं होने देंगे। और ये सब करने के लिए हमें वक्त चाहिए, और ये तो हमें सफर पर ले जाने के लिए बुला है। मना किया तो उसे शक हो जाएगा। क्या करें, क्या करें? अरे भाई भाई, यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये आपकी तैयारी, ये तैयारी आपकी। मतलब ये कि आपने हमसे क्या कहा था कि काले चिराग के जिनको गोश्त पसंद है, गोश्त, पर यहाँ पे तो सिर्फ हड्डियां हैं। ये देखिए, ये हड्डी खाएगा वो काले चिराग का जिन। क्या है ना, ये जो जिन्नात होते हैं ना, जिंदगी की तरह होते हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। मतलब क्या काटेंगे? आपके बाल। लेकिन समझाते हैं आप, क्या है ना, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी खिदमत करे, तो पहले आपको उसकी खिदमत करनी पड़ेगी, उसे खुश रखना पड़ेगा। और ये लोग, लोग नहीं, बकरी हैं, बकरी। और कुर्बानी के बकरे को भूखा नहीं, खिला पिला के मोटा ताजा किया जाता है। इनसे तो उसकी भूख मिटने से रही, फिर वो आपको ही गोश्त समझकर खा जाएगा। देखिए, ये मैं कहां आ गया? आका, ये बुंदरू शख्स कौन है? देखा, आते ही सवाल जवाब शुरू। जिन ऐसे ही होते हैं, खा खा के पेट तो बड़ा हो गया, लेकिन दिमाग उतना ही है। काफी बड़ा हो गया है। आका, अगर आप लोगों को आपस में खुशफुस करनी है, तो मुझे क्यों बुलाया? देख रहे हैं कैसी बातें कर रहा है, कितना आकड़ है, अपने आका के सामने उबासी ले रहा है। हम संभालते हैं जिनू। हाँ, ये सुल्तान सफर है। सुल्तान सफर? इनकी सल्तनत लूट गई क्या इतने गरीब मुफ्लिस से? जिनू, हमें माफ कर दो। देखो जिनू, क्या है, हम जानते हैं कि हमने गलती की है, तुम्हें नींद से उठा दिया हमने। हमें माफ कर दो, हमें खामत लेना। हाँ, हमें माफ कर दो। खामत लेना तो क्या? जिनू, हमें माफ कर दो, मत डांटो। आका नाटक करने को कह रहे हैं, और नाटक करने में तो हम भी उस्ताद हैं। हाँ जरूर, हम डांटेंगे, हम जरूर डांटेंगे। लेकिन ये बताओ कि आपने हमारी नींद में खलल क्यों डाला? हम बताते। जीनू, ये देखो, हम चाहते हैं कि तुम इन सबके जख्म भर दो और सबके लिए खाना ले। ठीक है आका, दर्द और जख्म अपने घर जाएं, इन सबके पेट भर जाएं। जी 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 जी, जीनो जी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, खाना आ गया। ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया।
शुक्रिया जीनू। खाइए खाइए, पेट भर के खाइए। अब आप लोगों पे कोई जुल्म नहीं करेगा, ये हमारा हमारे सुल्तान का वादा है, सुल्तान का। हम आप सबको बहुत जल्द बचा लेंगे। हमारा मतलब कि इस बेमकसद बेकार जिंदगी से हमारे सुल्तान आप सबको बचाएंगे, ये उनका वादा है। ए सुनो, यहाँ आओ, अब जल्दी बताओ आगे क्या करना है। अब जिन्नात के जिनों को चंदन की महक बहुत पसंद आती है। अगर उनके आका उन्हें चंदन से बना कोई तोहफा दें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने आका की हर बात मानते हैं। सही खेल गए, अब चंदन ही हमारे काम आएगा।